तो दोस्तों, अगर आपका भी फेसबुक और इंस्टाग्राम अभी फिलहाल रिफ्रेश नहीं हो रहा है, यानी कि अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी के अंदर प्रॉब्लम है। अभी सर्वर कुछ डाउन है या फिर कुछ नया अपडेट आने वाला है या फिर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पर मैं मेरे सारे अकाउंट ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर रिफ्रेश फीड का ही ऑप्शन आता है, यानी कि रिफ्रेश नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है। जैसे कि रील्स देखोगे या फिर कोई भी अकाउंट में देख रहा हूँ, मेरे चार अकाउंट यहाँ पर है, यहाँ पर रील्स मैंने ओपन किया है, रील्स में भी आप देख सकते हो रिफ्रेश ही नहीं हो रहा, रील्स दिख भी नहीं रहा, ठीक है। तो इसी तरह फेसबुक में भी सेम कंडीशन है, यानी कि ऐसा ही आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर में फेसबुक में भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये सर्वर का ही प्रॉब्लम है और सभी के अंदर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका अकाउंट सेफ़ है, ठीक है। यहाँ पर आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ है, जब भी सर्वर ठीक हो जाएगा तो अपने आप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने फेसबुक, चार अकाउंट है मेरे और चारों में लॉगिन था, ठीक है। लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया तो सीधा एक्सपायर आ गया, मतलब कि लॉग आउट हो गया, ठीक है, अपने आप। अब मैं लॉगिन हो रहा हूँ सही पासवर्ड डाल के, लेकिन अनेबल टू कनेक्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी लॉगिन हो गया और एक्सपायर भी हो गया, ठीक है। तो लॉगिन होने के बाद भी यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो सेम कंडीशन, यानी कि सभी के अंदर ये हो रहा है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बग्स है, सर्वर डाउन है। सर्वर में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ भी होगा तो यहाँ पर मैं अपडेट देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट अपडेट के लिए, यानी कि क्या नया आने वाला है इसमें, इसको जानने के लिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।